और बात बाकी झारखंड के खंड को टीम में सजा कर उतारे वही अगर बात कीजिए हुकुम का एक का टीम के मैनेजर कर बात कीजिए बिग की अच्छे फाइनेंसर के रूप में जाने जाते हैं एक मजबूत टीम को मैदान पर पारुसा शॉट वाह यही है रंजीत माडी गजब का शॉट गजब का गोल यहां पर रंजीत माडी के द्वारा गोलकीपर चेतन की अगर बात की जाए पोजिशन में कोई खराबी आज रहता है बॉल को प्ले ऑन में रखा जाता है मॉडर्न फुटबॉल के नियम के मुताबिक धनंजय पर चोटिल होके मैदान से रनिंग मोमेंट में वैसे कुछ समय का इंतजार करें चेंजिंग के लिए मौका बन सकते हैं पर जयंत महतो के लिए अच्छी जगह पर बॉल सिक्लोमाटी क्या करते हैं अपन लंबी शॉट गोल के पार और डिफेंडर के बीच थोड़ी सी तालमेल की कभी चिलमा दुरुस मुर्मू मनीष माधुरुष के साथ खेलते हुए अच्छे वाल पास जिन्हें पर सूरज लोहार बॉल के साथ अगर बढ़ता हूं अभी सूरज बहुत अच्छा मौका जयंत के लिए वाह चलिए सिवी सवर पवन मुखे का बहुत ही शानदार गोल बराबर का गोल देकर पवन मुखे ने साबित कर दिए कि मिटा सके जमाने से ये जमाने वालों में दम चोटिल जरूर रहा लेकिन उसके बावजूद लुआबसा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य श्रीमान संजय महतो जी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता भी हैं उनको तहे दिल से हमारे कमेटी परिवार के ओर से स्वागत करना चाहेंगे जिन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और शुरुआती क्षण में ही पावरफुल किक देखने को मिली और इसके बाद वाली मैच के लिए आप तैयार में रहेंगे जी हाँ चैतन सोरेन है गोलकीपर एमबीजे राइडर ओडिशा एफसी के सूरज जहां तक बात करें ग्रुप ए और ग्रुप बी मारेंगे देखने वाली बात है जी हाँ वो मिलाकर 26 यानी कि आज 23 गोल अब तक हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टूर्नामेंट बहुत कम अक्सर फिलहाल इस मैदान पर सब कुछ जायज है 50वां गोल भी हमें कुछ ही क्षण बाद देखने को मिल सकती है और दोनों ही पक्ष में अगर देखा जाए तो गोलकीपर की अगर बात करें दोनों ही पक्ष में चैतन्य तीव्रता लाने की आवश्यकता है जिस तरह से खेल रहे हैं थोड़ी सी सटीकता अगर लाएंगे तो निश्चित तौर पर मौका बन सकता है इस बार मौका हो सकता है यहाँ पर 17 नंबर के हालांकि अपने साथी खिलाड़ी को बंटवारा करना सही समझे और काफी जो कि पिछले मैच पर एक बेहतरीन गोल कर चुके हैं हालांकि इस मैच में भी कुछ उस तरह के कारनामे करने की आवश्यकता है छोटी छोटी पास के जरिए गोल में तब्दीली करने के प्रयास करते हुए आज कुल मिलाकर 2 पेनाल्टी शूट आउट हमें देखने को मिली है अब तक अभी की करते हुए ओडिशा की टीम और इस बार काफी खराब शॉट काफी दूर रही है गेंद ऐसा कि जितनी भी गेंद आ रही है दूर से लगाया गया शॉट सूरज जी कि बॉल को किक लगाने के लिए बॉल का अलग अलग पार्ट्स में आपको किक लगाना पड़ेगा यानी कहने का अर्थ ये कि बॉल का अगर ज्यादा निचले हिस्सा में किक लगाएंगे तो निचले पर बॉल में उछाल ज्यादा आ जाते हैं थोड़ा सा बॉल को मिड में किक लगाएंगे दबा के किक लगाएंगे तो सही हाइट में बॉल जाते हैं जी निश्चित तौर पर सही शॉट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी इस बार मौका बन सकता है पांच छोर से क्या डिफेंडर को बीट करा पाएंगे शॉट काफी बेहतरीन मगर चैतन जैसे अनुभवी गोलकीपर कमाल की एफर्ट और अपने टीम को निश्चित तौर पर राहत की सांस दिलाई अभी भी खतरा मंडराते हुए बाएं छोर से हुकुम का इक्का क्या हुकुम का इक्का इस बार उलट फिर करेगी
हालांकि अक्सर देखा जाता है इस टीम पर काफी बेहतरीन खिलाड़ियों के समावेश से गति काफी तीव्र गति से खेलते हुए नजर आते हैं। इस बार वापसी करते हुए ओडिशा की टीम बाई छोर से आक्रमण करने की कोशिश की और पुश करने की कोशिश से गलत टेकल यानी कि पहला क्वार्टर फाइनल के लिए रियो एफसी टेलको बनाम टाइगर जिंदा है, बिल्कुल तैयार में रहेंगे। जैसे ही ये मैच की समाप्ति के समय होती है आप अपने दलबल के साथ इस बार काफी पावरफुल किक शॉट ऑन टारगेट पर अगर रखते तो निश्चित तौर पर खतरा हो सकती थी। अभी भी काफी समय बची हुई है, 50वां गोल किस खिलाड़ी के द्वारा दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अच्छी रिसीविंग सूरज सोरेन के द्वारा, छोटी छोटी पास के जरिए गेंद को आगे की ओर बढ़ाते हुए एमबीजे राइडर ओडिशा एफसी की टीम गोल पोस्ट पर प्रहार करने की कोशिश और साधारण शॉट धीमी शॉट आसानी से चेतन गोलकीपर अपने कब्जे में लेते हुए गेंद को शुरुआत जो मैं सोचा लेट बापे ब्रदर्स समा साऊंगा। यहाँ पर मौका बन सकती है पांडे हुकुम का टीम के लिए काफी महंगा पड़ जाएंगे, काफी घातक साबित हो सकती है क्योंकि दोनों टीम में अच्छे अच्छे शूटर और सब शूटर मौजूद है। बहुत अच्छी जगह पर सूरज के लिए शुक्लमाडी और रंजित माड़ी का गलत कवरिंग, बॉल काफी दूर में था और खिलाड़ी को काफी दूर में यहाँ पर कवरिंग करके रोकने का कोशिश की तो सूरज यहाँ पर एक अगर नापा तो एक बेहतर मौका है पहली सफलता के लिए बढ़त बनाने की स्कोर करने की। हालांकि जमीनी शॉट का जरूर इस्तेमाल किया मगर वाल को भाप नहीं पाए, बीट नहीं पर अच्छी ब्लॉक एमबीजे राइडर ओडिशा टीम के खिलाड़ी के द्वारा। फिलहाल दाहिनी छोर से काफी तेजी गति के साथ ये शॉट, तभी भी काफी समय बची हुई है, बराबरी कर सकते सॉरी स्कोर कर सकते हैं, बढ़त बना सकते हैं। पिछली मैच की भांति इस मैच पर अगर देखा जाए तो नजर डाले तो बढ़िया हैंडबॉल सॉरी फाउल करा देते हुए फ्री किक का मौका है ओडिशा टीम के लिए बढ़त बनाने की, एक अच्छी मौका। अच्छी शॉट न बितली शॉट, काफी नजदीकी मामला ये यहां पर, हालांकि सूझबूझ के साथ चतुराई दिखाते हुए छोटी पास मौके को तलाशते हुए और इसी बीच मध्यांतर की घोषणा होती हुई। फिलहाल छोर में बदलाव के बाद मैदान के उत्तरी छोर पर नजर आ रहे हैं तो ये है एमबीजे राइडर ओडिशा की टीम और दक्षिण छोर पर जिस टीम को हम लोग देख रहे हैं हुकुम काका की टीम है और बाद बाकी झारखंड के खेड को टीम में सजा कर उतारे हैं। वही अगर बात की जाए हुकुम का एक टीम के मैनेजर की बात की जाए बिग की अच्छे फाइनेंसर के रूप में जाने जाते हैं, एक मजबूत टीम को मैदान होता है। पारुसा शॉट, वाह यही है रंजीत माडी, गजब का शॉट गजब का गोल यहाँ पर रंजीत माडी के द्वारा। गोलकीपर चेतन की अगर बात की जाए पोजिशन में कोई खराबी नहीं, अंदर गोल देखने में मुर्मू मनीष शमरम अच्छे बॉल राजा के लिए, कमजोर कटवे अच्छे बचाव पर गुरकबर चेतन के द्वारा
दोनों ही टीम के गोलकीपर का नाम चेतन है। अच्छी हिल पास यहां पर रंजित माडिकर, बॉल को बेकार है, खेल में कोई खराबी नहीं है। हुकुम काय का चलिया फिर से रंजीत माड़ी, फिनिशिंग नहीं दे पा रहे। मौका मदरूस मुर्मू के लिए, समय काफी लिया पर गोंदी माड़ी ने, तो इसी तालमेल की कमी उसके बावजूद पर धनंजय महतो बॉल को कंट्रोल करने में सफल जरूर है। बॉल आज रहता है, बॉल को प्ले ऑन में रखा जाता है मॉडर्न फुटबॉल के नियम के मुताबिक। धनंजय पर चोटिल होके मैदान से रनिंग मोमेंट में वैसे कुछ समय का आप इंतजार करें चेंजिंग के लिए। मौका बन सकते पर जयंत महतो के लिए, अच्छी जगह पर बॉल, शुक्ल माडी क्या करते हैं अपन, लंबी शॉट गोलकीपर और डिफेंडर के बीच थोड़ी सी तालमेल की कमी। चिरमा दुरुस मुर्मू, मनीष माधुरुष के साथ खेलते हुए, अच्छे वाल पास जिले पर सूरज लोहार बॉल के साथ बढ़ता हूं। अभी सूरज बहुत अच्छा मौका जयंत के लिए, वाह चलिए सीबी सवर पवन मुखी का बहुत ही शानदार गोल, बराबरी का गोल देकर पवन मुखी ने साबित कर दिए कि मिटा सके जमाने से ये जमाने वालों में दम। चोटिल जरूर रहा लेकिन उसके बावजूद पवन की एक एक गोल के बराबर पर ये खेल आ चुकी है। अगला मैच के लिए हमारे टेक्निकल जोन में चलाएंगे आप रियो एफसी टेलको, सामना करेंगे टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है के खिलाड़ी हमारे टेक्निकल जोन में पहुंच चुके हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रियो एफसी टेलको टीम के मैनेजर, आप भी अपने खेड को हमारे मेडिकल में पहुंचा देंगे। विष्णु साउंड सिस्टम का आवाज आपको निश्चित पर सुनाई दे रहे हैं, बिना विलंब के आप टेक्निकल जोन में चलाएंगे। इसी ताला दोनों ही प्रतिबद्ध खिलाड़ी कुछ समय पहले मैदान में है, छोटू ने गलती की लेकिन गलती को स्वीकार है। चलिए एक बदलाव की मांग, सूरज शायद यहाँ पर चेंजिंग
दो खिलाड़ी ओवल में किक लेंगे, फिर से रंजीत मार्डी, क्या उसी तरह का कारनामा दिखा पाएंगे जो कुछ समय पहले दिखाए थे। इस बार सुनील का बेहतर ब्लॉक, क्रॉस करने की कोशिश, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। हुकुम का टीम के लिए सूरज, एक समय ऐसा लग रहा था कि एमबीजे राइडर जीत के झोली को अपने हाथ में ले जाएंगे, लेकिन देखते देखते मैच के अंतिम समय में खेल के रणनीति में बदलाव किए और एक एक गोल के बराबरी पर आए और अब तक कहना मुश्किल के बचे समय में फिर से जमीनी गोल देखने को मिलेगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर एमबीजे राइडर ओडिशा की टीम की अगर बात करें, एडवांटेज मिला था और इस बार एक और मौका, दूर से अलग ही पावरफुल किक थी और किसी तरह से कोई फायदा नहीं होता भाई। इसी बीच ये आखिरी हुसैल बजती हुई मैच समाप्ति की घोषणा, एक एक की बराबरी पर एक और टाई ब्रेकर, और अभी जो मैच होगी लाल रंग की जर्सी में जो टीम है टाइगर जीता है और नीले कप्तान है दक्षिण मतलब पर ये भी एक गोल कर चुके हैं, वो थोड़ा पीछे गोल मिलाकर यानी कि प्राइस के हकदार बनेंगे, कम से कम 20,000 नगद राशि के आप हकदार बन सकते हैं, यानी कि आप जो फाइनेंशियल जितने इन्वेस्टमेंट किए हैं कम से कम वो तो कम प्रयास करेंगे इस मैच को जीतने के लिए। जब इतने दूर इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो क्यों ना एक और फायदा आगे बढ़े और इस बार बेहतरीन प्रयास सीधे गोलकीपर के कप्तान में गई गेंद, समीर भुया आज उनका दिन काफी बेहतरीन रहा है, काफी बेहतरीन है गोलकीपर ऋतिक सरदार की अगर बात करें, ये गोलकीपर भी कमाल की गोलकीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं रियो एफसी खेलको की ओर से। इस बार बैक पास ऋतिक को गेंद सौंपी, विदाउट के प्रयास अच्छी ब्लॉक, काफी फुर्तीले खिलाड़ी है सन्नी की अगर बात करें, देखने वाली बात होगी इस मैच पर किस तरह से प्रदर्शन दिखाते हैं। हालांकि रियो एफसी टेलको की अगर बात करें शुरुआती क्षण से ही आक्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं, आज जितने भी मैच खेले इस मैच पर किस तरह से बल्ले दिखाते हैं। इस बार मौका बन सकता है, अभी भी मैदान में आए हैं सनी, हालांकि नियंत्रण से गवा हुए थे यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए, अभी भी मौका है चिन्ह में सफल गेंद मौका बनाने के प्रयास करते हुए, मौका है यहाँ पर और काफी ज्यादा समय लेने के बावजूद भी टारगेट पे नहीं रख पाए वीर सिंह की, जो कि पिछले मैच पर एक बेहतरीन गोल दागे थे, अगर आप विपक्षी दल पर जवाब डालेंगे तो अपने टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। फिलहाल जवाबी हमला देखने को मिलता हुआ ड्रॉइंग का मौका मिला जरूर रियो एफसी टेलको को, काफी दूर से और काफी खराब शॉट, उनके साथ ही खिलाड़ियों को अगर ढूंढते तो निश्चित तौर पर मौका बन सकता था और जिस शॉट लगाए थे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर लाइन के नजदीक से बन जाते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप गेंद को नजदीक ले जाएंगे बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ज्यादा प्रभावित हो सकती है। सेफ 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 है, फिलहाल साथी खिलाड़ी को ढूंढने में असफल। आकाश सुनिया की अगर बात करें जैसे नंबर 7 को टाइगर जीता है टीम की ओर से,
काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा आज इनका, मगर बार कुछ गलत से पास नतीजा जीतने में सफल है। रियो एफसी टेल को मौका बंद कर लाइन जो तेजस्वी बनता है। इसके बाद वाले मैच के लिए यानी कि सेकंड क्वार्टर फाइनल का मैच है के लिए बिल्कुल तैयार में रहेंगे। समझ सकता है यहाँ पर रियो गेंद निकालने में कामयाब प्रयास काफी बेहतरीन किया नंबर के खिलाड़ी अभिषेक मुखी। था यहाँ पर बनाने की अभिषेक की अगर बात करें दो गोल अब तक सेकेंड क्वार्टर फाइनल के लिए बिल्कुल तैयार में रहेंगे। राजेश वेस्ट स्पोर्टिंग की टीम अब बिल्कुल तैयार में रहेंगे। फिलहाल मौका बन सकता है यहाँ पर टाइगर जिंदा है के लिए सात नंबर के खिलाड़ी की बात करें आकाश भूया मौका है यहाँ पर किंगफिशर प्रताप भाई।